Hello everybody, happy holi to all of you and welcome to my channel Priyanka Bharat and also welcome to my first vlog for holi. आज के दिन मैं आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर कुछ नहीं एक ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और कुछ हमने एंजॉयमेंट की है घर ही घर में बाहर नहीं गए हम कोविड की वजह से सो घर में हमने कुछ एंजॉयमेंट की है उसके एक क्लिप शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ साथ कल होली के दिन मैंने क्या बनाया था उसकी डिश और रंगोली और मैंने कुछ लिपस्टिक के शेड मंगवाए थे सो वो आ गए आज तो उसके मैं उसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो आप ये व्लॉग पूरा देखिए और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको सुबह रेसिपी के बारे में बात की थी उस रेसिपी के बारे में बताती हूँ. एक्चुअली कल की जो मेरी दाल बची हुई थी जो उड़द की दाल के हम बड़े बनाते हैं उसका जो बैटर था वो बच गया था मेरे पास. मुझे वो दाल वो फिर से बड़े नहीं बनाने थे सो मैंने उसमें सूजी और राइस फ्लावर और कर्ड ऐड करके अच्छे से अप्पे का बैटर बना के उनके टेस्टी अप्पे बना दिए. सो यहाँ पे मेरे पास अराउंड 1 कप दाल का जो बैटर है वो बचा हुआ था सो मैंने उसमें 1/2 कप सूजी 1/4 कप राइस फ्लावर और 1/4 कप कर्ड ऐड की और थोड़ा सा पानी ऐड किया. बैटर के हिसाब से मुझे जितना चाहिए था उतना पानी मैंने ऐड किया. आप कर्ड के जगह पे चाहे तो बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हो मेरे पास नहीं था सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कर्ड इस्तेमाल किया है. यहाँ पे नमक हम लास्ट में जब हम आपको बनाने के लेते हैं तब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है. जब फर्मेंट होने के लिए मैंने इसको यहाँ रखा तब मैंने उसमें नमक नहीं डाला था. मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसे अच्छे से फर्मेंट होने दिया. इंस्टेंट भी बना सकते थे लेकिन मुझे वो अच्छे से फर्मेंट होने देना था तब मुझे अप्पे बनाने थे. आप लगे हाथ उसे बना भी सकते हो. सो इसका जो बैटर है अच्छे से रेडी हो गया है. आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बैटर रेडी होने के बाद मैंने आपको ये दिखाया है और उसके बाद मैं अभी इसमें नमक ऐड कर रही हूँ. अच्छे से उसे मिक्स कर ले रही हूँ इसमें. उसके बाद में जो अप्पे का हमारा पैन होता है उसमें मैंने ऑयल लगा लिया है ऑयल ब्रश से. अच्छे से ऑयल लगा कर हम इसे गैस पे रखते हैं हीट होने के लिए. थोड़ा सा हीट होने देते इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना होता है. हाई फ्लेम पे हमें नहीं पकाना चाहिए ये. लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना चाहिए. सो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे ऑयल लगा लिया है. बहुत लेंथी हो गई ये वीडियो. ये जो प्रोसेस थी वो एक्चुअली शूट हो गई मेरे हाथ से. सो अभी मैंने ये गैस के ऊपर रख दिया लो फ्लेम पे. थोड़ा सा हीट होने दिया मैंने इसे. उसके बाद मैंने इसमें बैटर डाला है. सो जितना इसमें बैठेगा उसमें अच्छे से मैंने डाला है. मैंने ये छोटा पैन इसलिए लिया है क्योंकि छोटे पैन में जल्दी से हो जाते हैं लो फ्लेम पे. अगर हम बड़ा पैन लेते हैं तो लो फ्लेम पे सारे जो आप पे होते हैं उनको फ्लेम नहीं लगती और कहीं पे वो आधे पके आधे नहीं पके ऐसे हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे छोटा पैन लिया है क्योंकि वो झटपट हो जाते हैं. सो अभी सारे आपको मैंने ये बैटर डाल दिया है आपके पैन में. अभी 10 मिनट से कम मतलब 8 से 9 मिनट तक मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी. उसके बाद हमें इसकी साइड बदलनी है. कल का जो मेरा बैटर था बचा हुआ तो उसमें मैंने उड़द दाल का उसमें मैंने हरी मिर्च लहसुन अदरक और जीरा और क्या डाला था हाँ हरा धनिया डाला हुआ था. सो मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है. आप चाहे तो प्याज टोमेटो और कुछ आप वेजिस भी डाल सकते हो. मैंने नहीं डाला है. सो ये हमारे अप्पे रेडी हो गए हैं. आप इसे पीनट चटनी के साथ टोमेटो चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ खा सकते हो. यहाँ पे मैंने हमने आज सुबह मतलब रंग पंचमी के दिन जो घर पे हम तीनों ने मिलके एंजॉयमेंट की है उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सुबह मैंने बताया था आपको कि मैं आपके साथ कुछ लिपस्टिक के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो वो लिपस्टिक है हुडा ब्यूटी के
जो कि मैंने ऑनलाइन लिए हैं। अगर आपको ये चाहिए होंगे तो इसकी जो व्हाट्सएप लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मुझे आई थिंक 190 में 4 रिसीव हुई है। मैट लिपस्टिक है ये, मैट लिक्विड लिपस्टिक्स, छोटी है लेकिन सफिशियंट, बहुत दिनों तक चल जाएगी क्योंकि ये 4 है, हम रोज रोज तो नहीं लगाते हैं। और 4 शेड है, सुबह मैंने 1 शेड लगाया था, मैं आपको 1 by 1 सब शेड बताती हूँ। सो सबसे पहले मैंने ये शेड अभी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी एक खास बात बताऊँ तो मुझे ये लॉन्ग लास्टिंग लगा, क्योंकि सुबह मैंने जो शेड लगाया था वाइट कुर्ती पे तो वो शेड निकल नहीं रहा था जल्दी, सो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप रिमूवर के हेल्प लेके वो निकालना पड़ा। सो मैं ये कहूँगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, पिगमेंटेड है, अच्छे है, सो यू कैन गो फॉर दिस। अभी नेक्स्ट शेड की बात करते हैं, तो जो सुबह मैंने लगाया था सो ये वो शेड है, इसकी भी पिक्चर अभी डाल दूंगी, मेरी पिक्चर जो मैंने सुबह की व्लॉग में जब शूट किया था तब लगाया हुआ था ये शेड, पिंक शेड है, अच्छा है। इस पे उन्होंने कुछ भी कोड वगैरह नहीं दिया है इसलिए मैं कोड वगैरह मेंशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए होगी तो इसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो ये पिंक शेड है, ये थोड़ा सा बरगंडी टाइप हम बोल सकते, बरगंडी भी नहीं, थोड़ा सा पर्पल शेड मुझे लग रहा है ये। सो अच्छा है ये शेड भी। बचे अब 2 शेड, सो ये ऑरेंज टाइप का रेड शेड है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऑरेंज टाइप का रेड शेड है ये, ये भी अच्छा है। किसी भी मतलब आपको अगर फंक्शन में जाना हो तो ये फंक्शन के लिए अच्छा है, थोड़ा डार्क है इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो अच्छा ये शेड भी थोड़ा ऑरेंज टाइप का है तो अच्छा लगेगा। और जो लास्ट वाला है वो मरून रेड है, ये भी पार्टी के लिए अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये दोनों शेड अच्छे हैं, मैं आपको सारे लगाकर दिखाती हूँ। क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आपको सारे शेड लगाकर दिखा रही हूँ, अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों शेड अच्छे लग रहे, ये आपको इग्नोर करना होगा मुझे लगा है यहाँ पे थोड़ा सा। सो 1, 2, 3, 4 चारों शेड बहुत अच्छे हैं इसके। सो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको चाहिए होगे तो। सो आपको ये लिपस्टिक शेड अच्छे लगे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोलिए कि आपको ये शेड अच्छे लगे या नहीं। तो सुबह मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ मेरी कल की रंगोली की जो वीडियो है वो भी शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने निकाली नहीं, निकाली खुद है लेकिन उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरी कल की रंगोली। बहुत धूप आ गई है यहाँ पे, सो वेट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी कल की रंगोली, आप कमेंट करके बताना मुझे कि अच्छी है या नहीं। सो ये कल का मेरा मेनू आपको दिखा रही हूँ मैं अभी, खीर, पूरन पोली, उड़द दाल के वड़े और आमटी, बहुत टेस्टी दिख रहा है, बना भी बहुत टेस्टी था लेकिन बहुत देर हो जाने की वजह से हम उतना मज़ा नहीं ले सके। सो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपने रंगोली देख ली है तो मुझे कमेंट करके बोलिए कि आपको मेरा ये फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।